प्रिय मित्रों, मेरे YouTube चैनल के 112वें तथा चीन श्रृंखला के छठे वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आपको शंघाई शहर के 621 वर्ष पुराने शंघाई शहर के देवता के मंदिर अर्थात सिटी गॉड टेंपल ऑफ शंघाई में ले चलूँगा। इस पुराने मंदिर से आपका परिचय करवाऊँगा अर्थात प्राचीन चीन के इतिहास से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका 2 या 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे आप मेरे प्रयास को एक ऊंची उड़ान दे सकते हैं तथा भारत के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए किया जा रहा मेरा यह तुच्छ प्रयास अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। मैं आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकता हूं। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें तथा कमेंट YouTube प्लेटफॉर्म पर ही करें। यह मंदिर शंघाई शहर के पुराने भाग में स्थित है। यह चीन के पुराने ताओ धर्म, ताओ विचारधारा से संबंधित है। मैं आपको बताता चलूं कि चीन में मुख्यतः 3 धर्म या संप्रदाय हैं, ताओ, कन्फ्यूशियस और बौद्ध। बौद्ध धर्म का विस्तार चीन में ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हो गया था। इस मंदिर का निर्माण 1403 ईस्वी में मिंग राजवंश के सम्राट योंगल के समय हुआ था। यहाँ पर लोग अच्छे भाग्य तथा शांति की कामना लेकर आते हैं। आपको पता है कि चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के बौद्धाचार्यों तथा चीन के बौद्ध धर्म में जिज्ञासा रखने वाले बौद्ध चीनी यात्रियों के द्वारा हुआ था। भारत में मृतकों से संबंधित देवता यम की तरह चीन में भी मृतकों के देवता यम हैं, जो मृतक के द्वारा पृथ्वी पर किए गए कार्यों का विश्लेषण कर उन्हें स्वर्ग या नरक भेजते हैं। यम की मूर्ति 1951 ईस्वी से पहले इस मंदिर में था। चीन के माओ त्से-तुंग के शासन के दौरान हुए कल्चरल रिवॉल्यूशन सांस्कृतिक विद्रोह के समय यह मंदिर बंद रहा। 2006 ईस्वी में इसे पुनः पुराने स्वरूप में लाया गया। मैं आपको बताता चलूं कि शंघाई 2 शब्दों से मिलकर बना है, शांग और हाई। शांग का अर्थ ऊपर तथा हाई का अर्थ होता है समुद्र, अर्थात शंघाई शब्द का मूल अर्थ है ऐसा शहर जो समुद्र के ऊपर है। शंघाई सिटी गॉड टेंपल को चीनी भाषा में चेंग हुआंग मियाओ कहा जाता है। यह एक ताओ धर्म को मानने वालों का मंदिर है। शंघाई से थोड़ी दूर समुद्र में बसे एक द्वीप जीन शान में बसे एक आत्मा की याद में यह मंदिर बनाया गया था। बाद में इसमें अन्य देवता जुड़ते चले गए। यह इस मंदिर के अंदर जाने का 2 टिकट है। 2016 ईस्वी में मुझे प्रति टिकट 10 युआन लगे। 1 युआन करीब 10 रुपये के बराबर होता है। युआन चीन देश की मुद्रा का नाम है, भारत के रुपये की तरह। यह सिटी गॉड टेंपल का आकाशीय चित्र है जो मुझे नेट सर्फिंग के द्वारा प्राप्त हुआ। अन्य सभी चित्र मेरे द्वारा खींचे गए हैं। यह मंदिर के प्रांगण का चित्र है। चीनी मंदिरों और उनके भवनों का अपना एक विशेष बाहरी संरचना होती है। हम लोगों के यहाँ भारत में भी मिट्टी के आग में पकाए खपड़ा की छत बनती है, लेकिन चीन के छतों के किनारे एक अलग प्रकार की कला होती है जो चीनी भवनों और मंदिरों में देखने को मिलती है। इस खपड़े को हम लोग बेक्ड क्ले टाइल्स भी कह सकते हैं। प्रांगण में यह कलश के प्रकार का एक पात्र है जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसके बाहर की नक्काशी देखिए। यह शांगदी देव तथा दोमू देवी हैं।
ताओ संप्रदाय में सांगदी उच्चतम देवता तथा दोमु रथ की माता हैं। रथ प्रगति का प्रतीक है। ये दोनों पुरुष और नारी के महत्व को ताओ धर्म में प्रदर्शित करती हैं। ये सभी विभिन्न कार्यों के देवता हैं। ये लेखन के देवता, ये आँखों के देवता। यह देवता एक आँख को हाथ में लिए हुए हैं सुरक्षा के लिए। ये मुख्य देवता जिन शान हैं। ये बच्चों के देवता हैं, गोद में एक बच्चा लिए हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए। ये अन्य देवताओं का समूह है। आगे में लाल कपड़ा बांधा गया है भारत की तरह मनौती के लिए। ये इन देवताओं की सुरक्षा के लिए प्रहरी या सैनिक हैं। यह कुछ अन्य देवताओं का समूह है। यह एक बड़ा घंटा है जो भारत के मंदिरों की तरह चीन में भी काफ़ी लोकप्रिय है। ऐसी मान्यता है कि घंटा को बजाने से बुरी आत्माएं भाग जाती हैं। मित्रों, मैं चीन के शंघाई स्थित शंघाई शहर के देवता के मंदिर की यात्रा यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको पुराने शंघाई के बाजार में ले चलूंगा। ऐसा लगेगा आप दिल्ली के जनपथ में घूम रहे हैं। मित्रों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसलिए मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों को धन्यवाद अर्पित करूं, हमेशा की तरह। तो मित्रों, आपको हार्दिक धन्यवाद इस स्नेह के लिए।